नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूपी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जमकर हुई गुंडागर्दी और धांधली के बाद समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सपा प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक के साथ अभद्रता करने और साड़ी फाड़ने के मामले में अब कार्रवाई की गई। इस मामले में अब 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, इनमें एक CO, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा लखीमपुर पसगवा में हुए महिला के चीरहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जमकर हिंसा हो रही है। खुली गुंडागर्दी, धांधली और गोलीबारी के मामलों के बीच बहराइच में एक महिला BDC मेंबर के अपहरण के दौरान उसके जेठ की हत्या कर दी गई। बहराइच के दीपपुरवा गांव में मायाराम नाम के शख्स की हत्या की गई। उनके भाई की पत्नी जादू राय BDC सदस्य हैं। आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञा सैनी के पति उन्हें किडनैप करने आए और मायाराम के विरोध करने पर उन्हें मार दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में BJP पर खुली गुंडई करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं और यूपी की जनता आने वाले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल SP के कार्यकर्ता ही शासन के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जिस जिले का DM SP खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ऐसे अफसरों की पूरी सूची बना रही है जिन्होंने SP कार्यकर्ताओं और जनता को अपमानित किया है। पंजाब कांग्रेस में जारी भीतरी कलह के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने NDTV से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई हराता नहीं है बल्कि वो खुद हारती है। तिवारी ने कहा कि मुझे कांग्रेस में 40 साल हो गए हैं, मेरा मानना है कि कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कांग्रेस खुद को हराती है। इसके साथ ही मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर राज्य के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया। बजट सत्र के खत्म होते होते BJP से TMC में आए मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके विरोध में BJP ने वॉकआउट किया। BJP का कहना है कि TMC ने परंपरा का उल्लंघन किया है क्योंकि एक विपक्षी विधायक को ही हमेशा PAC का प्रमुख बनाया जाता रहा। बता दें, BJP ने केंद्र के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और बालूरघाट से विधायक अशोक लाहेड़ी को इस पद के लिए नामित किया था। कानून मंत्री के पद से हटाए गए रविशंकर प्रसाद से आज नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुलाकात की। किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि आज अपने वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने गया। उनसे प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू आज मिलने आए, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री की परिकल्पना को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि ये विध्वंसक आवाजों और विचारधाराओं का प्लेटफॉर्म बन गया है। अदालत ने ये भी कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखनी चाहिए और इसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली विधानसभा की ओर से भेजे गए तलब को फेसबुक ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ स्थानीय खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति व परंपरा में पूरे यूरोप से अधिक विविधता है, यही हमारी विविधता में एकता है। फेसबुक जैसी किसी बड़ी कंपनी को अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरों के बारे में जानकारी नहीं रखने के आधार पर इस विविधता में एकता को छिन्न भिन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केरल हाईकोर्ट ने नए IT नियमों के पालन को लेकर न्यूज चैनलों को राहत दी है। अदालत ने निजी न्यूज चैनलों की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBA का पक्ष लेते हुए आदेश दिया कि फिलहाल नए IT नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। NBA ने IT नियमों को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार देते हैं। एक बयान में NBA ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 कानून के समक्ष समानता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। NBA ने कहा कि नए IT नियमों के तहत निगरानी के ऐसे तंत्र से डिजिटल मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने की कार्यपालिका को असीमित शक्ति मिल जाएगी।
प्रसारकों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि नए नियमों के आधार पर मीडिया के स्वविनियमन तंत्र को एक वैधानिक रूप दिया गया है। इसने बयान में कहा कि एक संयुक्त सचिव को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के आदेश के ऊपर बैठाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से समझौता होगा। केरल उच्च न्यायालय में एनबीए की याचिका डिजिटल मीडिया संगठनों द्वारा देश भर के उच्च न्यायालयों में नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में से एक है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए यूजर्स को मजबूर नहीं करेगा। ऐसा वो तब तक करेगा जब तक भारत की संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। इसका मतलब साफ है कि जो लोग भी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप चलाने में फिलहाल कोई बाधा नहीं आएगी। कंपनी ने कोर्ट से कहा कि वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत का समर्थन किया, साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अदालत ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धर्म समुदाय और जाति की पारंपरिक बाधाओं को खत्म करते हुए धीरे धीरे एक जैसा बनता जा रहा है। अदालत ने कहा कि इन बदलते प्रतिमानों को देखते हुए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि अलग अलग समुदायों जनजातियों जातियों और धर्मों से संबंधित भारत के युवा जो अपनी शादी करते हैं उन्हें विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं से संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली तो कई को कैबिनेट से छुट्टी मिल गई। जिन नेताओं की छुट्टी हुई है उन्हें संगठन में पद दिए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा पार्टी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले संसदीय बोर्ड में भी 5 पद खाली हैं। इन पदों पर किन नेताओं का चयन होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य होना पार्टी में आपके सियासी कद को बताता है। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले दिनों में संगठन और संसदीय बोर्ड में खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे और उन्होंने तेजी से कदम उठाते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी कर दी है। टोक्यो ओलंपिक बिना दर्शकों के ही होगा। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल टाल दिए गए खेल के इस आयोजन को 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया जाना है, लेकिन हाल में जापान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अब आपातकाल की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते और इस तरह टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपातकाल की घोषणा के बाद IOC आयोजक और सरकारी अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई है कि ओलंपिक खेलों में खेल प्रेमियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से लौटने की शुरुआत के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना आक्रामक रवैया तेज कर दिया। वो लगातार एक के बाद एक इलाके पर कब्जा कर रहा है और हालात ये हो गए हैं कि हजारों अफगान सैनिकों को ताजिकिस्तान में शरण लेनी पड़ी है। इस बीच तालिबान ने शुक्रवार को दावा किया कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका नियंत्रण हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।